JMS वर्ड स्कूल के छात्रों ने बनाए 7 वर्किंग रोबोटेंस। नमस्कार, मैं हूँ समानु सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हापुड़ के JMS वर्ड स्कूल में समर कैंप 2022 के दौरान आयोजित रोबोटिक्स कार्यशाला के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ये छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक इंटरैक्टिव और बेहद सफल गतिविधि थी। छात्रों ने 1 जून से 10 जून तक चलने वाले इस कैंप में 7 रोबोट बनाए और सभी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने कोडिंग विषय में भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, जो कि अपने आप में काफ़ी विस्तृत विषय है। JMS वर्ड स्कूल की नई शिक्षा नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य निधि मलिक ने इस गतिविधि को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक बड़ी सफलता बनाने के लिए सभी छात्रों को बधाई दी। विद्यालय प्रबंधक आयुष सिंघल ने बच्चों को गहन ज्ञान प्रदान कर सफल बनाने के लिए शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं होता। उन्होंने कहा, भविष्य में विद्यालय में रोबोटिक्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थी रोबोट बनाना सीखेंगे। भविष्य में रोबोटिक्स के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए विद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगाने का कार्य शुरू करने का कहा। विद्यार्थियों को रोबोटिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय में रोबोटिक लैब का निर्माण किया गया है। बता दें कि समर कैंप में बनाए गए रोबोट्स में लाइन फॉलोअर रोबोट, ICR सेंसर, वस्तु अनुयायी, ऑब्जेक्ट फॉलोअर रोबोट, एज डिटेक्शन रोबोट और एज रोबोट शामिल हैं। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।